स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा मीशो ऐप कैसे यूज करते हैं और मीशो ऐप क्या है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं मीशो ऐप कैसे चलाएं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेगा। और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद पर मीशो ऐप से रिलेटेड और भी काफी सारी वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से सरल और आसान भाषा में आज ये सीख लेते हैं मीशो ऐप को कैसे यूज करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मीशो ऐप को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले मीशो ऐप को ओपन करना होगा। तो हमने यहाँ पर मीशो ऐप को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मीशो ऐप का इंटरफेस हमारे मोबाइल में कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। ऊपर की तरफ आप यहाँ पर हमारा प्रोफाइल आइकन देख रहे हैं और यहाँ पर हमारा नाम देख रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है हमने पहले से ही मीशो ऐप में अपना अकाउंट बना लिया है और मीशो ऐप में हमने अपनी आईडी बना ली है। अब यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं मीशो ऐप की आईडी और अकाउंट कैसे बनाएं तो इस टॉपिक पर मैंने पिछली वीडियो बना दी है, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने यही बताया है मीशो ऐप की आईडी और अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मीशो ऐप का इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक फीचर दिया गया है सर्च, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च बाय कीवर्ड और प्रोडक्ट आईडी। आप यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी के द्वारा भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आप कीवर्ड से भी किसी भी प्रोडक्ट को मीशो ऐप में सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक कैमरे का फीचर भी दिया गया है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपने कैमरे से स्कैन करने के बाद भी मीशो ऐप में प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कार्ड का फीचर दिया गया है, यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन का फीचर भी दिया गया है, यहाँ पर एक कैटेगरी फीचर दिया गया है। कैटेगरी फीचर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी मनपसंद कैटेगरी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑल पॉपुलर कैटेगरी में आपको कुछ इस तरह के प्रोडक्ट दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको वुमन से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाई देंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वुमन से रिलेटेड आपको कुछ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप मैन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पुरुषों के प्रोडक्ट मिल जाएंगे और यहाँ पर अगर आप किड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किचन का अगर आप सामान परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर होम एंड किचन का फीचर है, यहाँ से आप किचन के प्रोडक्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर ब्यूटी और हेल्थ में आप यहाँ पर जो ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, जो मेकअप का सामान है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ आपको यहाँ पर हेल्थ का सामान भी दिया गया है, यहाँ पर ज्वेलरी से रिलेटेड भी आप प्रोडक्ट देख सकते हैं और यहाँ पर आप बैग्स और शूज वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान देख सकते हैं जैसे कि मोबाइल चार्जर या फिर स्मार्ट वॉच, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दिए जाते हैं। और यहाँ पर आप स्पोर्ट या फिर फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर कार से रिलेटेड आप एक्सेसरीज देख सकते हैं, कार का कवर वगैरह, बाइक का हेलमेट वगैरह, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप होम पेज में देखोगे तो कैटेगरी के पास आपको यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी दी गई हैं, जैसे कि साड़ी, कुर्ती, मैन, और इस तरफ स्लाइड करने पर आपको काफी सारी यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। हल्का सा स्क्रॉल करने पर यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का फीचर है, फ्री डिलीवरी रिटर्न का फीचर है और यहाँ पर लव प्राइस का फीचर भी आपको दिया गया है। और यहाँ पर बेस्ट सेलर के प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आप ट्रेंडिंग नाउ में ट्रेंडिंग फीचर देख सकते हैं। और स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आप जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं, जो यहाँ पर फीचर किए हुए प्रोडक्ट हैं, वो सभी प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑर्डर का फीचर दिया गया है, नीचे जैसे ही आप यहाँ पर ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सभी प्रोडक्ट दिखाई देंगे जो आपने ऑर्डर किए हैं। अभी यहाँ पर हमने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पर एक कम्युनिटी फीचर दिया गया है, कम्युनिटी फीचर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग दी गई है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल एडिट करने का फीचर दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है, अगर आप मीशो कस्टमर केयर से कॉल करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मीशो के कस्टमर केयर को भी कॉल कर सकते हैं। माई वॉलेट शॉप का फीचर दिया गया है, माई बैंक डिटेल का फीचर दिया गया है। और माई बैंक डिटेल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी पासबुक का फोटो ऐड कर सकते हैं, अकाउंट नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर कन्फर्म करना है, अकाउंट होल्डर नेम, IFC कोड, यहाँ से आप अपनी बैंक डिटेल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माई शेयर का फीचर दिया गया है, अगर आप प्रोडक्ट को शेयर करते हैं तो यहाँ पर अगर आप माई शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो सभी प्रोडक्ट दिखाई देंगे जो आपने मीशो ऐप के प्रोडक्ट शेयर किए हैं। यहाँ पर आपको विश लिस्ट का फीचर दिया गया है, विश लिस्ट के प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर माई पेमेंट का फीचर है, अगर आप यहाँ पर माई पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको रिफर एंड अर्न का फीचर दिया गया है, यहाँ से आप रिफर करने के बाद पैसे भी कमा सकते हैं। और यहाँ पर स्पिन का फीचर दिया गया है, स्पिन करने के बाद आप पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पर एंटर रिफर कोड का फीचर दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद रिफर कोड भी एंटर कर सकते हैं। मीशो क्रेडिट का फीचर आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर हेल्प फीचर है, बिजनेस लोगो का फीचर दिया गया है, यहाँ पर आपको सेटिंग का फीचर दिया गया है, नोटिफिकेशन का फीचर दिया गया है, आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप मीशो को रेटिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से आप मीशो को रेटिंग भी दे सकते हैं। और लीगल एंड पॉलिसी का फीचर यहाँ पर दिया गया है, आप मीशो ऐप की लीगल और पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप मीशो ऐप को यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको
हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर मीशो ऐप को यूज करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा या फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।